मल्टीपल टीचर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और यदि आप एक से ज़्यादा शिक्षक से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक विषय आप एक टीचर से पढ़ें, है ना, कि एक टॉपिक आप एक ही टीचर से पढ़ें, दूसरे टॉपिक के लिए आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। पर ऐसा ना करें कि आपने एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ा, फिर वही चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ा, फिर वही चैप्टर तीसरे टीचर से पढ़ा। देखिए, आपका ये साल बहुत कीमती है, ये साल आप इसमें ख़राब ना करें कि आप पता लगाएं कि कौन सा मास्टर अच्छा है। अभी आप बेटा ना इतने बड़े हुए हैं, ना इतने समझदार हुए हैं कि आप शिक्षकों को जज करें कि कौन सा शिक्षक इनमें से बेहतर है, आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये ढूंढने के लिए शुरुआत का एक हफ्ता काफ़ी होता है। शुरुआत के एक हफ्ते में जो दो तीन मास्टर आपको मिले हैं, आपने सभी के लेक्चर देख लिए, आपको जो पसंद आया आपके आपने उनके साथ शुरू कर दिया। हो सकता हो बीच में किसी एक आध चैप्टर में आपको उस टीचर से चीज़ें ना समझ में आए, तो पहले तो कोशिश करें कि उन्हीं के साथ आपका काम बने, ना बने तो आप दूसरे टीचर का देख लें। पर एक ही टॉपिक को मल्टीपल टीचर से पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। समय बहुत कम है आपके पास, बहुत ही कम समय, ड्रॉप ईयर है आपका और कंपटीशन बहुत टफ है, आप सबको पता है, सीट्स बहुत कम है आपको पता है, तो टाइम वेस्टेज के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है।